हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। देखिए, एक फ्लिपकार्ट से एक और नया आइटम आज मेरे पास है, और ये जो है मैंने 3-4 दिन पहले ऑर्डर किया था और आज ये मेरे पास आ गया है। 3/10 का ऑर्डर है, आज 7 तारीख है, 4 दिन में ये मेरे पास आ गया है। अब मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, देखिए क्या है। अनबॉक्सिंग इसकी, दिस इज द बिल। देखो ये बिल जो है कैसे मोड़ तोड़ के बिल भेज दिया इन्होंने, और ये बिल अमाउंट है 669 प्लस में कुछ मेरे जो है पॉइंट्स थे उसमें, वो पॉइंट्स कट गए थे। 669 रुपये का ये प्रोडक्ट है और कुछ मेरे पॉइंट्स थे तो 705 रुपये का ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है। और अभी आपको मैं शो करूँगा ये क्या मैंने मंगवाया है। तो इसको मेरे किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था बहुत दिन पहले, ये देख लीजिए अभी ये क्या है। आप BYM1 बोया का जो है ये माइक है, जो कि कॉलर माइक है। देखिए ये कॉलर माइक है बोया का, और ये जो है क्लिक ऑन माइक भी इसको बोलते हैं। स्मार्टफोन्स के लिए है, DSLR कैमरा के लिए है, कैमकॉर्डर्स के लिए है, ऑडियो रिकॉर्डर्स के लिए है, और ओमनी डायरेक्शनल है। ये चारों तरफ से आवाज़ को पकड़ता है, और हाई क्वालिटी इसके अंदर जो है वीडियोस के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, और इसमें क्या है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 65 हर्ट्ज़ टू 18 kHz तक की फ्रीक्वेंसी रेंज है इसके अंदर, और ये केवल 2.5 ग्राम का माइक है। देखिए, और अब इसको मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। BYM1 705 रुपये ये कीमत का है, फ्लिपकार्ट से मैंने इसे मंगवाया है। दोस्तों इसको आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, कुछ दिनों बाद मैं आपको इसकी क्वालिटी वाइज कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ, कितना मैंने कंफर्टेबल फील किया इसको यूज़ करके, और इसे मैं मेरे म्यूज़िक सिस्टम में भी इसको चेक करूँगा, और तब मुझे पता लगेगा एक्चुअल में ये किस क्वालिटी है। देखिए, देयर इज़ सम पेपर वर्क, ये बोया का स्टिकर्स हैं इसमें, और चाइनीज़ ये प्रोडक्ट है, और इसके अंदर ये इसका स्कैनर है। वारंटी कार्ड के लिए स्कैन करेंगे तो ये वारंटी हमारी शुरू हो जाएगी इसकी, और ये हाउ टू यूज़ है इसके अंदर, इससे फीचर्स दे रखे हैं कि इससे इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह से इंडिकेशंस हैं इसके लिए, ट्रबल शूटिंग क्या है, और ये कुछ चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है, दिस इज़ चाइनीज़ लैंग्वेज एंड हियर दिस इज़ ऑल इन इंग्लिश। तो आप ये देख लीजिए, बोया B1M1। और इसके बाद ये पाउच मिला हमें, सुंदर सा पाउच, बड़ा सॉफ्ट कुशन है, और ये देखिए इसमें से ये निकलता है बोया का माइक, ये निकला, और इसमें कुछ और भी है। अरे इसमें कुछ और भी निकला भाई, अरे वाह, इसमें बड्स हैं क्या? ये बड्स हैं कुछ, एक हैवी कुछ। अच्छा, ये इसकी, अच्छा ये इसको लगाने के लिए उसमें, वाह ये तो मेरे बहुत काम आएगा सॉन्ग्स के लिए। मैं कुछ सॉन्ग्स गा लेता हूँ कभी कभी शौकिया, तो मैं सॉन्ग गाऊंगा और वहाँ से जो है मुझे म्यूज़िक मिलेगा मेरे म्यूज़िक सिस्टम से। और ये पिन है इसके अंदर, और ये एक और कुछ और भी, ये माइक है इसके अंदर। अब मुझे कैसे लगाना है ये भी देखना पड़ेगा, इसे मुझे कैसे इसको अंदर इंस्टॉल करना है, तो हाउ टू यूज़ में मुझे जाना पड़ेगा। और ये देखिए क्लिप, ये क्लिप है, एक छोटी सी क्लिप इसके साथ है, और ये पिन है मोटी पिन जो कि माइक के लिए यूज़ होगी, ये क्लिप है जो यहाँ कॉलर के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, ये सॉफ्ट कुशन है माइक के लिए, और दिस इज़ माइक, और ये 20 जो है फिट का है, यानी कि 6 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये ऐसे खुल जाएगा, बहुत अच्छा। किसी मेरे मित्र ने बताया था, मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने इसको लेजीनेस के कारण लिया नहीं बहुत दिनों तक, लेकिन मैंने इसे कल ख़रीद लिया। ये देखिए यहाँ ये एडजस्ट हो जाएगा, इसके ये पिन लग जाएगी यहाँ इस प्रकार से, और ये माइक जो है, ये छोटा सा माइक जो है इसमें यहाँ फिट हो जाएगा, ये देख लीजिए, और ये क्लिप पर यहाँ ये क्लिप लग जाएगी। तो इस प्रकार से इस माइक का मैंने अनबॉक्सिंग आपके सामने किया है। ये बोया की मैंने बहुत इसकी बड़ाई सुनी थी, तो आज मैंने इसे ख़रीद ही लिया है। और यहाँ कुछ है इसमें, दिखाइए इधर दिखाइए, ये कैमराज के लिए है, ऑफ पोजीशन है, ये स्मार्टफोन्स के लिए, 3 ऑप्शन है इसमें, ये ऑफ, ये कैमरा ऑफ और स्मार्टफोन्स के लिए, इसके अंदर क्लिपर लगा हुआ है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का है ये,
बहुत ही फाइनर क्वालिटी का है और आज इसको हम यूज़ करेंगे, आज इसी से हमने कुछ ना कुछ बनाना है, कोई सॉन्ग गाना है तो मैं करूँगा। और इधर से ये देखिए पूरी लंबाई है इसके अंदर, ये मोबाइल के लिए इस साइड से हो गया और यहाँ जाके ये क्लैंप लग गई तो ये अपने म्यूज़िक सिस्टम के लिए हो गया। ये तो मैंने पकड़ लिया, तो कुछ कर लिए बात, तो मैंने अब इसके अंदर क्लिपर क्लैंप कहाँ लगेगी और माइक कहाँ लगेगा वो भी मुझे देखना पड़ेगा। क्लैंप और ये माइक तो कहाँ गया, वो ये रहा, ये माइक और क्लैंप लगा के मैं देखूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसा है बोया का माइक। अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, अपने शौक़ के लिए बनाते हैं, अपने मेमोरी के लिए बनाते हैं, मैं तो मेरी मेमोरी के लिए बनाता हूँ भाई, मेरे बच्चे खुश होंगे इसे देखकर, आने वाली पीढ़ियाँ खुश होंगी, मेरे पोता पोती देखकर खुश होंगे, इसलिए बना रहा हूँ। आप भी बनाइए, खुश रहें, किसी तरह खुश रहें, खुश रहने के अच्छे अच्छे तरीके हैं हमारे पास। थैंक यू वेरी मच।